चलो हॉस्पिटल चलो चलो हॉस्पिटल बरेली बढ़िया सकते हैं, बढ़िया का रिव्यू लेते हैं। जो रोड जाती बिनता जहाँ शादी में गए थे वो काकी तो यहाँ सकते मन करा चल आई एस पी सी एस बड़ी पढ़ाई लिखा मैं अभ्यास कर पाई एमिल की अभ्यास कर बचपन में इसका मेरे मुँह इसका नहीं हो तो मैंने डेली मेहनत की तो हो गया मेरा उधर क्या करो सही हो गया धार है उसमें इस दादा के जैसे बने तो आप लोग मैं तो बढ़िया बात बताऊं यूथ ऐसा हो यूथ वैसा हो मेरे कांच पकड़ पे चढ़ 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 मैं आपके गांव का लगा सीढ़ी सीढ़ी तो इसको पकड़ के यार सिर्फ गाय को बांधा अपने को मत बांधना ये पकड़ो आप गुड मॉर्निंग दोस्तों नए दिन के नए सुबह के नए शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। पहाड़ में खिल चुके शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद धूप क्योंकि गर्मियों का मौसम या पीक में है। लेकिन इस बार यार काफी लंबे टाइम बाद मैंने महसूस किया कि गर्मियों में गर्मियों सा फील ही नहीं हो रहा। मॉर्निंग और नाइट में ज्यादा ठंडा रहा, पंखे की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि हम लोग तो घाटी वाले एरिया में जस्ट नीचे आपको थलकी बाजार दिख रही है और जो हमारे खेत थे वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। यानी अब जो धान की फसल है उसकी तैयारी होगी, यानी कि हम हल बाएंगे, यानी कि बैलों से जुताई करेंगे, ट्रैक्टर से करेंगे, मैं डालेंगे, मैं मतलब कि जब जिस ज़मीन को समतल किया जाता है। और हमारे गांव में जो खेती है मैं आपको बार बार बता दूं कि हमारे मतलब यूएसपी हम लोगों की, तो यहां पे यार 15 से लेके 20 ट्रैक्टर हैं छोटे बड़े और 5 से लेके 8 थ्रेसर हैं जिसपे हम गेहूँ निकालते हैं। और उसके अलावा जो रोड की कनेक्टिविटी है प्रॉपर है तो यहाँ पर पलायन बिल्कुल जीरो यार नहीं होता है, हर कोई यहाँ पर खेती करता है। बाकी यार अभी चलते हैं थलकी बाजार की ओर रूटीन के तहत, इस बीच थोड़ा फिरी हूँ, फिर आने वाले 1.5-2 महीने में फिर एग्जाम हो जाएंगे, क्लास के लिए आना पड़ेगा, तो जब तक के लिए फ्री हूँ चलते हैं। तो ले चलते हैं अपना झोला जिमतरा। बाकी माता जी बता दें आज क्या नया लाई है। ओहो तिमलों के पत्ते क्यों? खीर खाने के। तो ये देखो बिल्कुल सी टेस्टी सी खीर, इसको दुकान में जाके आहा इन पत्तों में डालेंगे। तो यार दोस्तों निकल रहे घर से मार्केट की ओर। अरे वाह क्या बात है यार, भारतीय नारी सबसे भारी, ये ठीक है यार भाई साहब, ये देखो ना अपनी ड्यूटी आने दी। ये साहब ठीक है तब फिर सो मैंने कहा टिड़की कैसे करती है यार, जिस आज सोए थे मेरे कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं इमका की दुकान के आसपास, ये अब आएगा तिराहा, तो यहाँ से मैं पिथौरागढ़ वाली रोड से यानी कि अपने घर की ओर से ये लेफ्ट हैंड जाएगा आपको बागेश्वर अल्मोड़ा हल्द्वानी की ओर, और जो स्ट्रेट जा रहा है सीधा आगे वो जाएगा आपको DD8 की ओर। और यहाँ पे है हमारे मित्र नीरज जोशी जी की दुकान वाली जो मैं सब लोग में दिखते हैं। आपका ऐतिहासिक बालेश्वर महादेव मंदिर स्थल पहला गेट यहाँ से प्रारंभ हो जाता है और जो मुख्य गेट है यहाँ पे है। हमारे गांव के लिए जाने वाला पैदल रास्ता है, रोड का रास्ता तो वहाँ से है। ये देखो यहाँ ये हमारे बिंजू की दुकान भाई साहब, कृष्णा हार्डवेयर यहाँ पे। और अब बढ़ेंगे हम अपनी दुकान की, अपनी दुकान की लोकेशन दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। यार बाजार में फिर भी ठीक ठाक भीड़ है यार अच्छी सी। ये आ गई हमारी दुकान, अभी हमने इसका रिनोवेशन करना है प्रॉपर। ये PK प्रिंटर हटकेश में आएगा नवराज ब्लॉक्स, ये हमारे नाना जी। क्या देख रहे हैं ऐसे क्या हो गया, लड़ना है क्या, लड़ना है। तो मार्केट आते ही पहला काम हम ये करेंगे स्पीड पोस्टर के लिए अपने कुछ चीज़ें लाएं क्योंकि हमारी दुकान पे साइड नहीं चलते, हम चार के पोस्टर से करके आते हैं। तो यार दोस्तों 11वां पढ़ने वाले बच्चे का फोन, अरे किसकी शक्ल दिख गई, 11वां पढ़ने वाले बच्चे का फोन है। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताया जब आप स्कूल टाइम में थे आपको फोन मिला था या नहीं मिला था। भयंकर आइस हो गया आपसे, काट रहा हूँ भैया, संतान है यार अच्छे करना है। कल जो तुमने किया वो अच्छा था। क्या किया? चेस। आप लोग हमारी सेहत का राज पूछते ना
हम लोग दूसरों की गाड़ी से तरबूज चोर के सुबह सुबह 11 बजे खाते हैं, फिर दिन में हम खीर खाते हैं, शाम को हम पीते चाय, तब हम इतने हेल्दी लोग हैं मतलब। और इस एरिया में पूरे सबसे सेठ दुकानदार हैं भाई, दिन भरी साल खान लेना घन बचत बचत के। तो हमारे जूनियर और रेडक्रॉस सोसाइटी के, हमारे FMR और थल क्षेत्र के युवा मनोज जोशी जी और स्काउट गाइड में बेसिक स्काउट मास्टर, अच्छे वैसे राज्यपाल रोवर, अच्छे ये तो बोले जो अच्छे शिक्षित लोग होते हैं ना बढ़िया, क्या करते हैं वैसे ज्यादा तो कुछ नहीं, उसके आगे क्वालिफिकेशन बताते हैं मतलब, है ना, अच्छा लगता है जब यूथ इन चीजों में जाता है ना, मोटिवेट करता हूँ और को भी, और के भी मतलब और लोग सोचते हैं हम इस दादा के जैसे बने, तो आप लोग मैं तो बढ़िया बात बताऊ, यूथ ऐसा हो यूथ वैसा हो, मेरे कांच पकड़ फिर चढ़ 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 लाइक बोल रहे, आज रश्मि को लगाया जुकाम, खीर घी डाल के आज लागो लो। तो यार माता जी देखो ना, माँ का दिल देखो यार, आजकल डेली दुकान में करके पता है खीर और दो तिमला पात दे रहे, और मम्मी को पता है हम दो ही लोग हैं, उसके बावजूद तीन दिया है, दिल देख रहे हो मेरे अंदर जो अच्छा ही है ना, आप लोग कहते हैं यार आप अच्छे लोग कहते हैं, आप अच्छे हृदय के हो, अच्छे व्यक्ति हो, तो ये सब मेरी मतलब माता पिताजी का वो है, क्या है बिंब, बिंब वो दर्पण है, तो उनकी छाया हूँ, इंग्लिश में नहीं रोक पाओगे हमें, अभी सुन रहे इंग्लिश में बोले गजबी डाल के, बता चल बोल इंग्लिश में कुछ बोली, आई लव यू, अबे यार बहुत खाता है यार, मुश्किल है लग रहा है बोले भाई क्या करते ना यार, जैसे कभी कभी हमारा एक बैकअप ये रहता है कि अगर हम किसी कारणवश दुकान पे नहीं रह पाए, तो मनोज भाई है, राज है, एक दो और हमारे छोटे भाई लोग हैं जो मतलब हमें हेल्प करने आ जाते हैं CSC में, क्योंकि पिथौरागढ़ में पढ़ाई के साथ साथ ये लोग CSC में काफी अच्छा काम जान चुके हैं, और ना मेरे से हेल्प मुझे देवे कभी की तुमने मुझे कॉल जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ, उठाया तुमने कभी कॉल कॉल तो करते हैं भाई लोग, 30K में सबसे पहले कॉल आई थी भाई की, वो उठा नहीं पाया था, बात अलग स्वयं कर आज की कौन कब किया कब, ऐसे तो नहीं किया मैंने, ऐसे तमीज से किया, तमीज से छोड़ने क्या होगा तुमने, स्वयं करके आओगे तुम बाहर पे ना नाली में, यार अगर डॉली मेरे ब्लॉग देख रहे हो, कल ही तुमसे बात हुई मेरी, अगर डॉली जानती है डॉली कॉमेंट करे यार, मेरे को पता है तुम मेरे ब्लॉग देखती हो, कमेंट पक्का करना, बुलबुला वाला सीन याद आ रहा है, जो बाहर रह रहे हैं विदेश में रह रहे हैं, एक खीर है इसमें घी मिला है शपड़क, ये टेस्ट बताओ क्या कहते हैं। गुड आफ्टरनून यार दोस्तों, एक हेक्टिक भरा दिन बिताने के बाद हल्के बाजार में फाइनली खाना खाने के लिए आ चुका हूँ, जिनमें एक चीज तो है तलब लगती है खाना, अल्लाह खान खून खान बोल गया खा जाता मिल क्या हालत कब खाला बात हो क्या लगा बाकी जो, अरे नमस्कार कैसे हो खाने दौड़, ये हमारे भट्टी, अरे नमस्कार दूसरे भट्टी, दरअसल क्या है कि जो दुकान पहले से जमी जमाई ना, उनके पास ग्राहक है सब चीज़ें, क्योंकि जो बंदा नया स्टार्टअप करता है तो उसके हमारा फर्ज बनना है कि हम उससे सपोर्ट करें, ताकि उनको ये ना लगे यार कि नहीं हो पा रहा नहीं कर पाऊंगा, उनको लगे मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उनको देख के और लोग भी कर सकें। बाकी क्या बनाया आज स्पेशल भटिया, तो भाई ने भटिया बनाया हिमका ने, आज है संडे का दिन, थोड़ा मार्केट हल्की है लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा, खादा खा सर थोड़ी चटनी दे दीजिए, बस बस थैंक यू। बटिया चखते हैं, बटे का रिव्यू लेते हैं, फर्स्ट टाइम होटल पे मतलब यहाँ थल में खा रहा हूँ, सोमेश्वर रानीखेत जो रोड जाती है बिनता, जहाँ हम शादी में गए थे वो कहा कि तो यहाँ चखते हैं, टेस्टी है यार बढ़िया बनाया, मेन चीज जो व्यू पॉइंट है इतनी ठंडक में खाते हैं यहाँ पे, तो यार दोस्तों ऐसा करेक्टर मैंने पहली बार देखा है, इसकी हंसी देखना, ये ऐसी इल्ला बेटे इल्ला वाली लग रहा है, यहाँ से भूस हॉस्पिटल बरेली मतलब
बेटा आधी खा ली तो उसकी आधी आ यार, ये तो गलत हुआ, लड़ाई हो गया। चलो मेरा मुंह धुलवा दो, तो यार दोस्तों अभी हम आ रहे शॉप पे, जो मेरे और दोस्तों और दिन यहाँ पे रहते थे आपके लिए संडे स्पेशल, ये देखो अरे 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 इतना ही है, दोबारा दिखाना। तो यार ये नानू वर्मा भाई हैं, तो इनके एल्बम कब कब रिलीज हुई थी 2008 में? तेरा फिर फ्यूचर कहाँ पे खत्म हुआ, फिर फ्यूचर कहाँ पे खत्म हुआ तेरा? जिस जिस इंडस्ट्री में हीरो होना, इंडस्ट्री खत्म बेटा। सारे सारे किसी भी कार्य की आप नित अभ्यास करो हो जाता है, मन करा चल आईएएस पीसीएस वाले पढ़ा लिखा मैं अभ्यास कर पाई एमिल की अभ्यास कर बचपन में इसका इसका नहीं हो तो मैंने डेली मेहनत की तो हो गया मेरा इनका नहीं हो रहा है, करो उधर या करो सही तो हटा देगा। अंग्रेजी बोल कर दो क्या इधर को मुगर अब इधर को कर एक बार करना करना भाई गेम खत्म करो कोई तो आ रहेगा यार तेज तेज मारना जो जो लेवल समझ सकता जितना मारूंगा सब उतना मारना ठीक ना क्या चाय की शर्त है ना जो हार जाएगा ये भावना चुपाल के बुबू दिखा ना क्लोज से दिखा और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इतने बजे हम चाय पियेंगे तो पी रहे हैं, लेकिन आज दो कप नहीं है चाय के, आज चाय के हैं पूरे चार कप, क्योंकि यार आज हमारा अहोभागी हमारे रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर जो कि मुंबई से सीधा पधारे थल की धरती में अपने कुछ निजी कार्यों की वजह से, पूजा करने की वजह से अपने गृह क्षेत्र में, और आज आप हमारे सम्मुख हमारी मुलाकात फाइनली होगी तो तीन दिन बाद सर का परिचय। आपका शुभ नाम? रविंद्र चंद जी हमारे, और भैया आपका? दीपक चंद जी। तो चंद जी पिछले तीन दिन से यार दुकान पे भी आए, उसके लिए माफी चाहते हैं, हम लोग थे नहीं यहाँ पे, फिर आप लोग मंदिर पूजा पाठ करके आए, और जो दुकान हम प्रॉपर दिखाते हैं अपने ब्लॉग्स में जो हिमका का होटल है वहाँ पे भी आप लोग गए मॉर्निंग पे आलू खाने के लिए, लेकिन आलू बने नहीं थे तो आज हिमका को फटकार लगानी है, हमारे रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर ब्लॉग देख के आ जाओ, तुम लोग उस टाइम तक आलू बनाते नहीं हो तो काफी अच्छा लगता है जब आप जैसे सम्मानित लोग आते हैं यहाँ पे। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट कराऊंगी कल हमारे घर आइए, वहाँ रुकते हैं तो इनका जन्म चलते हैं, तो अब एक ही सहयोग बैठ रहा है मेरी शादी का नवंबर में लड़की नहीं मिली लेकिन लगन तय है काफी अच्छे लोग यार हसमुख से लोग, तो आपको ब्लॉग के माध्यम से एंटरटेन करते रहेंगे डेली सुबह चालू कर लेते हैं बिल्कुल सुबह सुबह पहले हमारा वही रहता है कि अपने गांव पहुंचे जय हो ये एक लगाव रहता है यार, आप लोग जब अपने घर से दूर रहते हो तो एक लगाव रहता है क्षेत्र में क्या चल रहा है कैसी चीजें होती है, और ये कुछ है यार मानवीय स्वभाव, इसी से हम लोग समझ रहे हो आपस में जुड़े रहते हैं। दुकान में कुछ कस्टमर आए, ये देखिए ये भाई तो खैर फॉरन से हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, मेरा अगल बगल एक ये साली हुई हो, मतलब एक रथिक ग्राहक आ जाओ खुशी होती है, अभी मतलब एक मोहर बनाने के लिए आए साल में एक बार, मतलब एक काम आया इनका साल में, ये लोग बारिश में घर से आए, मेरी गलती है, तुम्हारी वजह से हम भीगे हैं बोलते सऊर हाथ गंदे हो गया काम करते वक्त सऊर हो गया तमीज हो की बात तो मर्जी करो यार की बे तो आप ब्याह बोल दो मैं रिश्ता ऊपर चिल्ली छानो पर रिश्ता जाल हमसे पहले कोई बात नहीं मेरे को तो मिली नहीं रही भी मिल जाएगी हमारे लिए तू पिला रहा तुमसे कह रहे हो कह मत भी मेरी चाय मैं ले आऊंगा चाय के बर्बा गाय है तो गाय के लिए हम ले जा रहे गलियों इसको बोलते गलियों यानी कि रस्सी इसको बनाया था कट्ठों से प्लास्टिक के तो बड़ा साइज ले जा रहे हम
फुल साइज है नहीं, दो दे दो। कितने का है? 120 का है। तो इसको पकड़ के यार सिर्फ गाय को बांधना, अपने को मत बांधना। ये पकड़ो आप, गुड यार छोड़ दा, थैंक यू।